हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीता। स्वागत है आपका मेरे चैनल विनीता स्वीट होम रसोई में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं लौकी से बनने वाला बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता रेसिपी, जिसे देखकर आप बिल्कुल नहीं बता पाएंगे कि लौकी से बना हुआ है, यानी कि बच्चे भी इसे बहुत ही ज़्यादा प्यार से खाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने लिया है एक छोटी सी लौकी, ये लगभग 300-350 ग्राम है। इसको मैं छील कर धोकर और ग्रेट कर लूँगी। इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करने के लिए जो बीज का जो व्हाइट पोर्शन निकलता है उसको मैंने हटा दिया था, और ग्रेट करने के बाद मैंने लौकी का जूस भी नहीं निकाला है, आप देख पा रहे हैं। अब मैं इसमें लगभग आधा कप बेसन डाल दूँगी, या जो हमारी ये नॉर्मल स्पून होती है, मैंने 8 स्पून डाला हुआ है। साथ ही आधा कप मैंने डाल दिया है सूजी, ये नॉर्मल सूजी है। अब हम इसको मिक्स कर देंगे, क्योंकि लौकी में ऑलरेडी जूस है तो मैं ऊपर से पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर लगेगा तो हम बाद में पानी भी ऐड कर सकते हैं। देखिए मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है 2 छोटी हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 चम्मच अदरक जिसे मैंने ग्रेट कर लिया था, 1/4 चम्मच मैंने यहाँ गरम मसाला लिया है, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला। चाट मसाला ना हो तो आप अमचूर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 चम्मच मैंने डाला है नमक, या नमक आप अपने स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं। और साथ ही डाल दिया है मैंने थोड़ा सा हरा धनिया पत्ता। इसको मिक्स कर देते हैं। अभी मैंने इसमें हल्दी पाउडर नहीं डाला था, तो इसमें मैं बढ़िया से कलर के लिए इसमें लगभग 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर भी डाल दूंगी। और 1/4 कप मैंने यहाँ लिया है फ्रेश दही। साथ ही इसको थोड़ा सॉफ्ट बनाने के लिए मैंने इसमें डाल दिया है लगभग 2 चम्मच ऑयल। देखिए अभी तक मैंने इसमें पानी का यूज़ नहीं किया है, और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख पा रहे हैं, एकदम परफेक्ट है। यानी कि हमें पानी ऊपर से ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको फिर थोड़ा गाढ़ा लगता है तो आप ऊपर से पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। तो देखिए रेस्ट कर चुका है और कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट है सूजी फूलने के बाद भी। कभी कभी लौकी में जूस कम निकलता है, तो आपको अगर कंसिस्टेंसी गाढ़ी लगती है, थिक लगती है, तो आप ऊपर से पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच सोडा, और साथ ही मैंने इसके ऊपर डाल दिया है 1 छोटा चम्मच नींबू का रस। अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा देर तक हमें मिक्स नहीं करना है। अब यहाँ मैंने एक ट्रे ली हुई है जिसे मैंने पहले ही ऑयल से ग्रीस कर दिया था, उसमें इस पूरे बैटर को मैं इसमें डाल देती हूँ, और इसको मैंने इस तरीके से अच्छे से फैला भी दिया है, आप देख पा रहे हैं। अगर आपके पास ट्रे ना हो तो आप किसी छोटी थाली या प्लेट में भी इसको बना सकते हैं। देखिए हम इसको स्टीम करने वाले हैं। पानी मैंने पहले ही बॉईल करने के लिए रख दिया था, साथ ही इसमें मिनरल डाल दी थी 1 रिंग, और अगर आपके पास रिंग ना हो तो आप उल्टी कटोरी भी डाल सकते हैं। इसमें मैंने इस तरीके से केयरफुली स्टैंड को रख दिया है, और ऊपर से लिड लगा के हम लगभग 15-20 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। टाइम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। फ्लेम को हमने मीडियम ही रखा हुआ है। तो देखिए 15 मिनट हो गए, हमारा जो ढोकला है वो भी ऑलमोस्ट बनकर रेडी है, आप देख रहे हैं। हाथ में भी नहीं चिपका, यानी कि रेडी है। हम टूथपिक से भी इसको चेक कर लेते हैं। देखिए टूथपिक में भी बिल्कुल नहीं चिपका है, लेकिन आप इसके ऊपर देख पा रहे हैं थोड़ा थोड़ा पानी। तो हम 2 मिनट इसको ऐसे ही खुला पकाएंगे, ताकि जो पानी है वो पूरा इवेपोरेट हो जाएगा। अब देख पा रहे हैं आप, पानी पूरा जो है सूख चुका है। ढोकला हमारा बनकर एकदम तैयार है। फ्लेम को हमने कर दिया है ऑफ। अब हम इसको बिल्कुल केयरफुली बाहर निकालेंगे, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा गर्म है ये। थोड़ा इसको ठंडा होने देंगे। देखिए ठंडा हो चुका है। अब हम इसको डीमोल्ड करेंगे।
वैसे ठंडा होने के बाद साइड्स अपने खुद ही छोड़ देता है, लेकिन फिर भी हम नाइफ की हेल्प से इसको थोड़ा सा इस तरीके से साइड्स को सेपरेट कर देते हैं। और अब इसको डीमोल्ड करने के लिए मैंने एक प्लेट ली है जिसको इस तरीके से उल्टा रख के मैं इसको थोड़ा सा टैप कर दूंगी। देखिए कितना इजीली हमारा ढोकला बनकर बाहर निकल आया है, एकदम परफेक्ट। तो अब इसको कट कर देते हैं। पीसेस आप अपने हिसाब से छोटे बड़े कर सकते हैं। देखिए एकदम परफेक्ट, कितना स्पंजी हमारा ढोकला बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने पैन में 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल दिया है, लगभग 1 टेबल स्पून। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें सरसों के दाने डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच, और साथ ही 1 छोटा चम्मच डाल दिया है मैंने यहाँ पे इसमें तिली, ये व्हाइट वाली तिली है, और थोड़े से करी पत्ते 10 से 12 लगभग। अब हम इसमें धीरे धीरे करके अपना ढोकला डाल देंगे, क्योंकि ढोकला बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो टूट जाता है, इसे हाथों के हेल्प से इस तरीके से। फ्लेम को हमने लो टू मीडियम ही रखा हुआ था, नहीं तो ये जल जाएगा। देखिए एक साइड से कितनी जल्दी सिक के बाहर आ गया है। इसको हार्डली सिकने में 1 से 2 मिनट का ही टाइम लगता है। अब देख पा रहे हैं कितना प्यारा इसमें कलर आया हुआ है, कितना प्यारा सिका हुआ है, एकदम परफेक्ट। दूसरी साइड से भी ऐसे ही सिकने देते हैं। देखिए दूसरी साइड से भी सिककर रेडी है। आप इसका कलर देख रहे हैं कितना प्यारा कलर आया है इसमें, बहुत ज्यादा क्रिस्पी, टेस्टी, सॉफ्ट। आपने देखा फ्रेंड्स इसे बनाना कितना इजी है। देखिए दोनों तरफ से कितना एकदम बढ़िया सिका हुआ है। तो देखिए हमारा गर्मा गर्म जो नाश्ता है वो एकदम बनकर तैयार है। इसको मैं प्लेट में इस तरीके से सर्व कर देती हूँ। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचे। थैंक यू।